ब्रो तुम ना सुबह स्किन केयर रूटीन करने के बाद यार तुम बाहर निकलते हो और पूरा दिन इधर उधर यहाँ वहाँ स्कूल कॉलेज ऑफिस ये करेंगे वो करेंगे। अब जैसे यार दिन भर बाहर रहने से यार हमारी स्किन के ऊपर ना काफी डर्ट डस्ट पॉल्यूशन वगैरह आता है और जिससे हमारी जो स्किन है पूरी ढंग से बैंड बच जाती है। अब जैसे तुम्हें यार रात को स्किन केयर रूटीन फॉलो करना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली जस्ट डोंट वरी, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाइट स्किन केयर रूटीन के बारे में, जिसमें हर चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं और साथ ही मैंने स्किन की कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जो तुम्हारी स्किन के ऊपर आती है जैसे डार्क सर्कल या फिर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम, वो भी कैसे ही करनी है वो हम इसमें देखेंगे। बस इस वीडियो लास्ट देखते रहना बिना किसी तरीके से, वो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट वॉश योर हेयर। भाई तुम सोच रहे यार स्किन की बात करते करते बालों पे कहां से आ गए। बेसिकली हमारे जो बाल होते हैं ना उसको वॉश करना काफी इंपॉर्टेंट है सोने से पहले, और इसमें हमें हेयर को इंक्लूड करना काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यार तुमने ऐसे बाहर ऐसे निकलते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस वगैरह जाते हो, तो यार तुमने अपने बालों में कोई भी प्रोडक्ट वगैरह यूज करते होगे, वैक्स जेल या फिर कुछ भी, अगर तुम उसको रात को वॉश करके नहीं सोते भाई जैसे ये सबसे बड़ा रीजन होता है तुम्हारी स्किन के ऊपर ना एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम आने का। जस्ट जब भी तुम घर पे आ रहे हो या तो उस टाइम पे उसको वॉश कर लो या फिर जब भी तुम सोने जा रहे हो तो भाई सोने से पहले अपने हेयर को वॉश करो, जिससे क्या होगा तुम्हारे हेयर में जितना भी प्रोडक्ट वगैरह होगा ना वो सारा निकल जाएगा और तुम्हारे जो हेयर वो क्लीन रहेंगे और जो हेयर है तुम्हारे फेस के ऊपर नहीं आएंगे और जिससे जो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो दूर रहेगी। मतलब ऐसा होता है ना हमारे बालों के ऊपर ना जेल वैक्स वगैरह लगा होता है और तुम दिन भर बाहर घूमते हो, अब जैसे इसकी वजह से क्या होता है जितना भी डर्ट डस्ट वगैरह होता है ना हमारे बालों में चिपक जाता है और जब तुम रात को सोते हो ना तो उस टाइम पे तुम्हारे जो बाल होते हैं तुम्हारे फोरहेड के ऊपर आते हैं, फेस के ऊपर आते हैं, जिससे यार तुम्हारे एक्ने और पिंपल्स के चांसेस होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, तुम्हारी स्किन भी काफी ऑयली हो जाती है। मेक श्योर रात को सोने से पहले अपने हेयर को वॉश जरूर कर लेना। अब हम यहाँ बात करते हैं प्रॉपर स्किन केयर रूटीन के बारे में। नाउ फर्स्ट है फेस वॉश। भाई यहाँ पर तुम सभी लोगों को पता है यार हमें ना दिन में दो टाइम फेस वॉश करना है, सुबह में और रात को। बट यार जो लोग है ना यार आजकल ना सुबह सुबह में तो फॉलो कर लेते हैं लेकिन वो रात को करते ही नहीं है, मतलब आलसी बन जाते हैं, आलस कर जाते हैं, भाई छोड़ना यार क्या हो रहा है। बट ब्रो रात को फेस वॉश करना काफी इंपॉर्टेंट है। सुबह तुम चाहे स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी तुम अगर जा रहे हो ना भाई तुम्हारे फेस के ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती है डर्ट पॉल्यूशन वगैरह की, जिसको रिमूव करना काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर वो तुम्हारे फेस के ऊपर रह गया ना तो भाई इससे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है और तुम्हारी स्किन धीरे धीरे करके डल होती जाती है। जस्ट तुम्हें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, रात को सोने से पहले तुम अपने फेस को वॉश करना है, उसके बाद ही तुम सोने जाओ। नंबर सेकंड टोनर। अब यहाँ पर तुम सभी को पता ही है जो हम लोग बात करते हैं इस चैनल पे वो ज्यादातर हम बात करते हैं मिडिल क्लास बंदों की या फिर उन बंदों की जो इस टाइम पे ना कॉलेज और स्कूल जाते हैं। इस टाइम पे ना हमारे हाथ में ना पैसे ज्यादा नहीं होता और हमें पैसे ज्यादा नहीं मिल पाता। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं भाई तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना तो भाई तुम इस ये जो पार्ट ना उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर टोनर है तो मतलब काफी अच्छी बात हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर पैसे नहीं है, अगर तुम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते भाई टोनर को तुम स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। लेकिन जैसे टोनर से फायदा क्या होता है कि तुम्हारी स्किन को ना डीपली क्लींस करता है, तुम्हारे पोर्स को टाइट करता है और ये ना तुम्हारे पीएच लेवल्स को भी बैलेंस रखता है जो फेस वॉश से डिस्टर्ब हो जाता है। और प्लस स्पेशली अगर तुम्हारे फेस पर एक्ने और पिंपल्स है ना तो यार तुम इसको यूज कर सकते हो, काफी सही है। और बाकी यार वही बात होगी अगर पैसा है तो तुम अगर ले लो तो काफी बेहतर होगा, लेकिन अगर नहीं है तो यार तुम ना इसको अवॉइड कर सकते हो। थर्ड है विटामिन सी फेस सीरम। अगर यहाँ पर ना विटामिन सी का जो फेस सीरम होता है ना तुम उसको भी रात को सोने से पहले अप्लाई कर सकते हो और ये ना यार तुम्हें अच्छे खासे ब्रांड में मिल जाते हैं विटामिन सी के फेस सीरम, जिससे ना तुम्हारी स्किन डीपली हाइड्रेट रहती है, तुम्हारी स्किन ग्लोइंग बन पाती है, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है, बेसिकली तुम्हारी स्किन काफी अच्छी रहती है। अगर तुम्हारे पास पैसे ना भाई थोड़े से पैसे खर्च करके जो एक विटामिन सी का जो फेस सीरम है वो लेके आ जाओ और जस्ट फेस वॉश करने के बाद विटामिन सी का फेस सीरम अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जिससे यार तुम्हारी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तुम्हारी स्किन के ऊपर से खत्म हो जाएगी, प्लस तुम्हारी जो स्किन होती है ना वो काफी हाइड्रेटेड रहने वाली है, वो काफी ग्लो करने वाली है। बट यहाँ पर अगर तुम इसमें भी कंजूसी करना चाहते हो, इसके लिए भी अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जो भी तुम नॉर्मल मॉइस्चराइजर वगैरह यूज करते हो ना सुबह में वही तुम रात को भी सोने से पहले यूज कर सकते हो फेस वॉश के बाद, मतलब यार कुछ ना लगाने से तो काफी बेहतर है। और यार जो सीरम वगैरह होता है ना वो रात में इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यार तुम्हें सबको पता है कि यार रात को जब हम सो रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल रिलैक्स में होती है, और जब हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स में होगी ना बिल्कुल वर्क नहीं कर रही होगी तो उस टाइम पे जो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं ना वो काफी अच्छे वर्क कर रहे होते हैं, तो मेक श्योर रात को सोने से पहले इन सब चीजों को जरूर अप्लाई करना। फोर्थ है लिप बाम। तुम ना यहाँ पर रात को सोने से पहले लिप बाम भी वगैरह भी यूज कर सकते हो, तुम्हें पता ही है रात को सोते ना हमारी जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, प्लस हमारे जो लिप्स वगैरह होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं वो और भी काफी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो जस्ट रात को सोने से पहले तुम जो लिप बाम वगैरह ना वो यूज कर सकते हो, कोई भी तुम लिप बाम वगैरह ले सकते हो उसको अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई करो जस्ट सो सकते हो, जिससे तुम्हारी लिप्स की क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी, वो काफी सॉफ्ट रहेंगे। बाकी अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट स्टेप है फिफ्थ वाला वो है वन ग्लास वाटर। जी हाँ यार यहाँ पर ना तुम्हें सोने से पहले एक गिलास पानी जरूर पी लेना। तुमने ना यार कई बार नोटिस करा होगा कि यार रात को ना ऐसे अचानक से हमारी आंखें खुल जाती है और उस टाइम पे ना हमें कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा प्यास वगैरह लग जाती है, बिल्कुल टूटन से लग जाती है, भाई बस ना कहीं से पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, मतलब उस टाइम पे अगर तुम पानी ना पियो ना तो यार तुम्हारी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट
हाइड्रेट हो रखी है बॉडी और तुम्हें उसको हाइड्रेट करने की काफी जरूरत है। और उस टाइम पे जब तुम पानी ना पी के ना यार सबसे बड़ी गलती करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी स्किन के ऊपर ना बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। बट यार तुमने अपनी स्किन को उस लेवल पे लेके मत जाओ कि तुम्हें प्यास लगे। जस्ट तुम रात को सोने से पहले एक गिलास वाटर पियो, जिससे तुम्हारी स्किन होती है ना वो काफी हाइड्रेट रहेगी और तुम्हें रात भर बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी और तुम्हारी बॉडी भी काफी हाइड्रेट रहेगी। और प्लस ये चीज काफी हेल्प करती है तुम्हारी स्किन को ग्लोइंग बना के रखने के लिए। नंबर 6 एंड लास्ट है प्रॉपर स्लीप। भाई यहाँ पर अगर तुम प्रॉपर स्लीप वगैरह नहीं लेते हो ना, तो मैंने तुम्हें जितनी भी सारी चीज़ें बताई नहीं भाई, ये सारी चीज़ें फॉलो करना तुम्हारे लिए बेकार है, मतलब ना करो तो बेहतर होगा फिर तो। क्योंकि अगर तुम प्रॉपर स्लीप ही नहीं ले रहे हो, तुम अपने स्लीप साइकिल को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो भाई, तुम्हारी स्किन कैसे ग्लोइंग बनेगी और तुम्हारी स्किन कैसे अच्छी रहेगी, उसकी क्वालिटी कैसे अच्छी रहेगी। तुम्हें कम से कम 6 से 7 घंटे की जो नींद है ना प्रॉपर लेनी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम स्लीप नहीं लेते भाई तुम्हारी स्किन बिल्कुल खराब हो जाएगी। बाकी तुम्हें पता ही डार्क सर्कल वगैरह आ जाते हैं, तुम्हारी स्किन काफी खराब हो जाती है। फिर बंदी से रात भर चैट करने से अच्छा होगा कि तुम प्रॉपर स्लीप ले लो, टाइम से सो जाया करो, जिससे तुम्हारी स्किन ना बेसिकली काफी अच्छी रहती है, वो काफी ग्लो करती है, वो देखने में भी काफी अच्छी लगती है। और काफी लड़कियों से कॉम्प्लीमेंट भी मिलने वाले हैं कि क्या लगाता है अपने फेस के ऊपर, कि इतनी ग्लोइंग स्किन है और इतनी हेल्दी है। अब जैसे हम बात करते हैं ना स्किन की कुछ कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर, जिसकी जो केयर है वो तुम्हें रात को सोने से पहले करनी है। नंबर 1 है डार्क सर्कल। यार रात को ना बहुत ज्यादा जगने से तुम्हारे आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल वगैरह आ जाते हैं। अगर तुम्हारा डार्क सर्कल है तो पहली बात यार तुम सो जाया करो, टाइम से प्रॉपर स्लीप लो। अब जैसे इसको सही करने के लिए तुम्हें करना क्या है कि रात को सोने से पहले कोई भी जो अंडर आई क्रीम वगैरह होते हैं तुम उसको यूज कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास अंडर आई क्रीम वगैरह नहीं है, वैसे तो ले लो यार जरूरी होती है अगर तुम्हारे डार्क सर्कल वगैरह है तो। लेकिन अगर नहीं है तो यार जो 5 रुपए वाली वैसलीन होती है ना वो वैसलीन लो और रात को सोने से पहले अपने आंखों के नीचे इसको अप्लाई कर सकते हो, जिससे तुम्हें थोड़ी मोटी हेल्प मिलेगी मतलब डार्क सर्कल रिड्यूस करने में। प्लस तुम्हारी जो आईज होते हैं ना वो काफी हाइड्रेटेड रहेगी और ये वाला जो हिस्सा होता है ना वो काफी नरिश रहेगा। नेक्स्ट है एक्नी और पिंपल्स। भाई अगर तुम्हारे फेस के ऊपर पिंपल्स है एक्नी है तो भाई यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करी थी ना फेस वॉश, जस्ट तुम्हें फेस वॉश अवॉइड करके तुम्हें यूज करना है क्लींजर, और कोई भी जेंटल क्लींजर यूज करना है जो तुम्हारे फेस के ऊपर ना हार्म ना करे, बहुत ज्यादा हार्श ना हो और जिससे तुम्हारे जो एक्नी और पिंपल्स है ना वो बहुत ज्यादा इरिटेट ना हो। जस्ट इसके लिए तुम कोई भी जो जेंटल क्लींजर वगैरह ना वो यूज कर सकते हो, उससे अपने फेस को वॉश कर सकते हो रात को सोने से पहले, और ये काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला तुम्हारी स्किन के ऊपर। अब जस्ट तुम कोई भी सेटअप फाइल में जा सकते हो या फिर डर्मागो में जा सकते हो, जहां पर तुम्हें जेंटल स्किन क्लींजर वगैरह मिल सकते हैं, और अगर एक्नी पिंपल्स है तो तुम इसको यूज कर सकते हो अपने स्किन को क्लीन करने के लिए और तुम्हारे एक्नी पिंपल्स काफी सही हो जाएंगे और इवन यार वो ग्रो नहीं करेंगे। तो फाइनली ये थे वीडियो, आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हें ना वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर मिला तो मेक श्योर लाइक कर देना और अगर चैनल में पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना और जल्दी जल्दी आकर मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। बहुत सारी बकचोदी करते हैं, काफी सारी रील्स बना रहा हूँ, काफी मजा आता है, बहुत सारे नए नए लोग वहां पर आ रहे हैं, तो तुम्हारी कमी यार तुम भी जल्दी से आ जाओ। और ये लास्ट में ना मैं जाने से पहले जैसे यही बात बोलूंगा कि अगर तुम रात को सोने से पहले मुट्ठी मार देते हो ना भाई, ये सब चीज़ें फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। सो जा मेरे भाई, बाय।